शाह ईरान ईरान के राजदूत दरबार में पेश हो रहे हैं। आदाब बादशाह सलामत, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपनाह। मैं ईरान के शाह की तरफ से आपको भेजे गए तोहफे को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। जरूर जरूर। भारत के शहंशाह और हमारे मित्र अकबर महान को हमारा सलाम। पहेलियां बुझाने की हमारी परंपरा के सिलसिले में हमें लगता है कि हमें आपके लिए एक सही चुनौती मिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिंजरे में एक नकली शेर है। चुनौती यह है कि बिना पिंजरे को छुए और शेर को छुए पिंजरा खाली करना है। आपके पास सिर्फ 3 मौके हैं। एक आदमी को सिर्फ 1 मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि यह पहेली बुझाने में आपको बहुत मजा आएगा। आपका मित्र शाह ईरान। बीरबल, आपका क्या ख्याल है? क्या आपके पास कोई सुझाव है? जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मेरे पास कुछ सुझाव है। जहांपनाह, हमें भी एक मौका दिया जाए। हर बार बीरबल को ही क्यों मौका मिलता है? जरूर जरूर सुखदेव सिंह जी, आप सही फरमा रहे हैं। बीरबल, हम पहले सुखदेव सिंह जी को गुत्थी सुलझाने का मौका देते हैं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जहांपनाह, मैंने जादूगर जादूराम को आज हमारा मनोरंजन करने बुलाया है। वो इस देश के सबसे बड़े जादूगर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे जरूर सुलझा सकेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें दरबार में बुलाना चाहूंगा। जरूर। शुक्रिया हुजूर। जादूगर को बुलाया जाए। जादूगर जादूराम हाजिर हो। आदाब जहांपनाह। जंतर मंतर छू मंतर, जंतर मंतर छू मंतर। शाबाश, शुक्रिया। पिंजरे में शेर को देख रहे हैं, क्या आप पिंजरे में से शेर को निकाल सकते हैं बिना पिंजरा या शेर को हाथ लगाए? जी हाँ, हाँ जहांपनाह, मैं जरूर कर सकता हूं। क्या मैं? जरूर, आगे बढ़िए। जमूरे, ये जादुई संदूक खोलकर अंदर बैठ जाओ। जमूरे को इस संदूक के अंदर बिठाकर मैं इसे अपनी जादुई शक्ति से गायब कर दूंगा और उसकी जगह शेर बक्से के अंदर आ जाएगा। पिंजरे का पर्दा गिरा दो। शुक्रिया। जंतर मंतर छू मंतर, 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 जंतर मंतर छू मंतर। बक्सा खोल दो। ओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई इस पिंजरे से बाहर निकालो, बचाओ मुझे, बचाओ। पर्दा खोलो। जादूगर जी, जादूगर जी, मुझे बाहर निकालो, कोई बचाओ मुझे, पिंजरे से बाहर निकालो। मुझे
मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी गलती की, अभी ठीक कर देता हूँ। छू मंत्र जा। ठहरो जापना, किसी को भी इस पहले के लिए एक से ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। बीरबल, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? जी हाँ जरूर जापना। जापना, मैं भी एक मौका चाहता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो जरूर ये काम कर सकेगा। अगर आपको यकीन है दलेर सिंह जी, तो जरूर। जापना, मैंने ओझा काली बाबू को दरबार में बुलाया है, जो रूहानी ताकतों के मालिक हैं और कई चमत्कार करते हैं। मुझे यकीन है कि वो ये छोटी सी गुत्थी जरूर सुलझा सकेंगे। ओझा काली बाबू हाजिर हो। जय काली। ओझा जी, आपका स्वागत है। एक छोटी सी गुत्थी सुलझानी है, क्या आप बिना पिंजरे या शेर को हाथ लगाए शेर को पिंजरे के बाहर निकाल सकते हैं? जय काली। मेरे लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं, मैं इसे जरूर पूरा कर सकता हूँ। बचाओ मुझे ओझा जी, मुझे बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ मुझे। फिक्र ना करो बालक, मैं तुम्हें भी पिंजरे से बाहर निकाल दूंगा। जय काली। ओम शोम ईम क्लीम, ओम शोम दीम क्लीम, ओम शोम ई क्लीम, ओम शोम ईम क्लीम, ओम जय काली। पिंजरे से पर्दा हटाओ और मेरी शक्ति देखो। क्योंकि अब सिर्फ एक मौका बाकी है। बीरबल, आप इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझाते? शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह, क्या मुझे दो सुलगती हुई लोहे की सलाखें मिलेंगी? जरूर, बीरबल के लिए दो सलाखों का इंतजाम करो। लीजिए, हो गया जहांपनाह। शाबाश बीरबल, बहुत बढ़िया। बहुत आसान था जहांपनाह, शेर मोम का बना हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यही समझना जरूरी था। जहांपनाह, आपके सब रत्नों में बीरबल बेशक सबसे कीमती रत्न है। राजा बीरबल जिंदाबाद। शाबाश बीरबल, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि ज्यादातर परेशानियां सुलझाने के लिए केवल बुद्धि और समझ की जरूरत है। शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद। शहंशाह अकबर जिंदाबाद।